Good morning, student. This is D.K. Srivastav from the Sestian Plymouth Mission School. I will teach you social study, standard 5th. The chapter name, The Globe. First video में मैं globe के बारे में विस्तार रूप से वर्णन किया था, उसके बारे में मैं लेक्चर दिया था, चैप्टर को पढ़ाए थे. इस चैप्टर में ग्लोब से रिलेटेड जितने भी आपको इस चैप्टर में पढ़ना था, ये सारे चीज़ को मैं पढ़ा दिया था. ओशियन, कॉन्टिनेंट, रिवोल्यूशन, रोटेशन, इन सभी चीज़ों के बारे में बताए थे. नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थन हेमस्फीयर, साउथर्न हेमस्फीयर, लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ग्रिड, इन सब चीज़ के बारे में विशेष रूप से आपको मैं फर्स्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूँ. अब आपको सेकेंड वीडियो में आ रहा है क्वेश्चन आंसर आ रहा है. इस क्वेश्चन आंसर के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ. जिस क्वेश्चन में सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज ग्लोब. तो ग्लोब के बारे में आप जान रहे हैं, एक सिंपल सा इसका डिफिनेशन है, ए ग्लोब इज ए स्मॉल मॉडल ऑफ आवर अर्थ. यह पृथ्वी का एक छोटा सा नमूना है. ग्लोब, ग्लोब के बारे में आप लोग जानते हैं, या पृथ्वी का एक छोटा सा नमूना है, उसको पृथ्वी के बारे में दर्शाया गया है, बताया गया है. सेकेंड नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि व्हाट इज इक्वेटर. तो जब ग्लोब बनावेंगे, फिगर देंगे, तो उस ग्लोब में देखेंगे द इमेजिनरी लाइन एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द टू पोल इज कॉल्ड द इक्वेटर. ऊपर का पार्ट नॉर्थ पोल और नीचे का पार्ट बॉटम जो होता है वह साउथ पोल होता है, और दोनों के बीच का जो इमेजिनरी लाइन जो होता है उस इमेजिनरी लाइन को हम इक्वेटर कहते हैं. जैसे कि आपको हम जैसे एक बना दिए हैं, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, और इससे यह मिडिल पॉइंट जो हो गया, मिडिल पॉइंट जो हो गया, यही आपका इक्वेटर कहलाता है, यही इमेजिनरी लाइन कहलाता है. जैसे इसी को हम इक्वेटर कहते हैं. वही कह रहा है कि द इमेजिनरी लाइन एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द टू पोल, दोनों के बीच की जो भाग होता है उसी को हम इक्वेटर कहते हैं. थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज चूजन एट द प्राइम मेरेडियन. द प्राइम मेरेडियन इज स्टार्टिंग मेजरिंग डिस्टेंस. प्राइम मेरेडियन का काम होता है वह डिस्टेंस को यानी दूरी को मेजरमेंट करना, मापना होता है. मेजरिंग डिस्टेंस बोथ ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट और पूर्व और पश्चिम दोनों को, अराउंड द अर्थ, पृथ्वी के चारों ओर घूम करके पूर्व और पश्चिम के बीच की दूरी को जो मेजरमेंट कहते हैं, करते हैं, उसी को हम प्राइम मेरेडियन कहते हैं. इसकी चूज जो है, हम कहीं भी किसी भी जगह पर हम इसका चूजन कर सकते हैं. इट इज कॉज बी चूजन टू बी एनी वेयर, कहीं भी इसको कर सकते हैं. तो चैप्टर 1 का आपको क्वेश्चन नंबर 1 का 3 क्वेश्चन दिया हुआ है. इस 3 क्वेश्चन के बारे में मैं बता दिया. अब क्वेश्चन जो है सो बताया जा रहा है, इसी में सेक्शन 1 में है. सिलेक्ट द टिक द करेक्ट आंसर. इसमें आपको 3 ऑप्शन दिया हुआ है. 3 ऑप्शन में एक ऑप्शन में आपको टिक लगाना है, इसमें आप टिक लगा देंगे. इट इज आवर होम प्लानेट, अर्थ, मार्स और जुपिटर. होम प्लानेट आप जान रहे हैं कि अर्थ होता है, इसलिए अर्थ में टिक लगा देंगे. हाउ मेनी कंटिनेंट आर देयर. इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ कि आपके कंटिनेंट कितने हैं, ओशियन कितने हैं. तो आप जान रहे हैं कि कंटिनेंट 7 है, इसमें दिया हुआ है 5, 6, 7, तो 7 में टिक लगा देंगे. द पॉइंट एट द टॉप एंड ऑफ द ग्लोब इज कॉल्ड. तो अभी आपने बताया पॉइंट ऑफ टॉप, तो टॉप में क्या रहा है, नॉर्थ आ रहा है. तो नॉर्थ आ रहा है तो इसमें दे रहा है साउथ पोल, नॉर्थ पोल और इक्वेटर दे रहा है. तो नॉर्थ पोल है तो इसे नॉर्थ पोल में हम टिक लगा देंगे. उसके बाद कहता है द टॉपिक ऑफ कैंसर लाई एट 23.1/2 नॉर्थ, 23.1/2 साउथ और 66.1/2 नॉर्थ. इसमें है 23.1/2 नॉर्थ है, इसलिए नॉर्थ में लगा देंगे. इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी में दे रहा है राइट द नेम ऑफ द फ्लोइंग पार्लल. अब पार्लल मतलब बराबर, उसके बराबर में दे रहा है 23.5 डिग्री नॉर्थ में कहता है 23.1/2 नॉर्थ. ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और 90 डिग्री नॉर्थ हो गया या नॉर्थ पोल हो गया. 66.1/2 नॉर्थ जो हो गया वह आर्कटिक सर्किल कहलाता है. 23.1/2 साउथ जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाता है, और
90 डिग्री साउथ साउथ पोल कहलाता है और 66.1/2 साउथ जो है वह आपको आर्कटिक सर्किल कहलाता है। ये आपका क्वेश्चन सेक्शन नंबर वन का जो है तो यह तीन क्वेश्चन हुआ। अब सेक्शन नंबर टू का क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। इस सेक्शन में क्वेश्चन आंसर को पहले हम नोट कर लेते हैं, उसके बाद जो है तो फिर इसके बारे में डिटेल्स में हम बताएंगे। तो बच्चे सेक्शन टू में इसी चैप्टर का द ग्लोब चैप्टर है, चैप्टर नेम द ग्लोब है, इसी का सेक्शन टू है। टू में फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर ए में इसमें द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर, द अर्थ इज मेड अप ऑफ डैश एंड डैश, तो डैश एंड डैश है तो एक में लैंड भरेंगे दूसरे में वाटर भरेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में है। द डैश इज ए स्मॉल मॉडल ऑफ आवर अर्थ है, तो आप जानिए रहे हैं द ग्लोब इज ए स्मॉल मॉडल ऑफ आवर अर्थ, ग्लोब भर देंगे। थर्ड नंबर में कहता है मोस्ट ऑफ द नॉर्थन हेमिस्फीयर इज कवर्ड विथ डैश, तो नॉर्थन हेमिस्फीयर जो है कवर्ड जो है वह लैंड से है तो इसमें लैंड फिलअप कर देंगे। चौथा नंबर में है द डिस्टेंस बिटवीन लेटिट्यूड इज डैश द इक्वल, दोनों का दूरी जो है तो इक्वल होता है, द डैश पासे थ्रू ग्रीनविच इन लंदन, तो इसमें मेरिडियन भराएगा। तो इस तरह से आपको फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर बी में ट्रू फॉल्स है, तो ट्रू फॉल्स में फर्स्ट में एफ, सेकेंड में टू, थर्ड में एफ, फोर में एफ और फाइव में टी। कहने का मतलब हुआ कि फर्स्ट में फॉल्स हो गया, सेकेंड में ट्रू हो गया, थर्ड में फॉल्स हो गया, फोर में फॉल्स हो गया और फाइव में ट्रू हो गया। तो राइट डाउन कर लेंगे अपने बुक में। क्वेश्चन नंबर सी में कहता है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, द मैचिंग इसमें करने के लिए है। जैसे एक नंबर है कंटिनेंट, इसमें सी से मैच करेंगे। क्वेश्चन टू में है पोल्स है, पोल को ए से मैचिंग करेंगे। थ्री में ग्लोब है, ग्लोब से ई को मैचिंग करेंगे। फोर में लॉन्गिट्यूड है, उसको बी से मैचिंग करेंगे और फाइव में लेटिट्यूड है, उसको डी से मैचिंग करेंगे। इस तरह से आपका मैच द फ्लोइंग हो गया। अब आइए क्वेश्चन आंसर में। क्वेश्चन नंबर डी में आपको क्वेश्चन आंसर है, तो उस क्वेश्चन आंसर में बताया गया है फर्स्ट क्वेश्चन में है डिस्क्राइब ए ग्लोब, तो इसके पहले भी ग्लोब का डिफिनेशन आपको बता दिया गया है। तो ग्लोब का डिफिनेशन बताया गया है लेकिन इसमें डिस्क्राइब करना है, इसलिए बताया जा रहा है कि द ग्लोब इज ए स्मॉल मॉडल ऑफ आवर अर्थ है, यह ग्लोब का परिभाषा हो गया है। अब इसे डिस्क्राइब विशेष रूप से वर्णन करेंगे, द ग्लोब शो अस द करेक्ट शेप एंड साइज ऑफ कंटेंट एंड ओशियन, कंटेंट ओशियन का आपको शेप साइज सही से बताया जा रहा है। उसी में द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन, वेल द आर्कटिक ओशियन इज द स्मॉलेस्ट ओशियन। कहने का मतलब कि पैसिफिक ओशियन इसमें एशिया जो है, एशिया इज द बिगेस्ट कंटिनेंट, व्हील ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट। कहने का मतलब हो गया कि ये जो है सो ओशियन और कंटिनेंट के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें आपको दिया जा रहा है कि एशिया जो है सबसे बड़ा महादेश है और उसके जबकि ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महादेश है। ठीक उसी तरह से प्रशांत महासागर जो हो गया वह सबसे बड़ा महासागर है, ठीक उसी तरह से जबकि आर्कटिक ओशियन जो हो गया यह सबसे छोटा है। अब सेकेंड नंबर में कह रहा है राइट टू फीचर ऑफ द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड आर इमेजिनरी लाइन दैट रन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, दिज लाइन आर नॉट पार्लर टू ईच अदर, ये जो है सो पार्लर समानांतर एक दूसरे के बीच में नहीं है। क्वेश्चन नंबर थ्री में कह रहा है व्हाट इज ग्रिड, द फॉर्मेशन ऑफ ए नेटवर्क इज कॉल्ड ग्रिड, नेटवर्क के बारे में यह इंफॉर्मेशन दे रहा है, विस्तार कर रहा है, इसलिए ग्रिड कहते हैं। द ग्रिड हेल्प अस टू लोकेट प्लेस ऑन ए ग्लोब, ग्लोब का जो है सो प्लेस के बारे में यह लोकेट करता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर आपका थ्री हो गया। क्वेश्चन नंबर चलेगा, हाँ तो क्वेश्चन नंबर फोर है व्हाट आर पैरेलल ऑफ लेटिट्यूड, तो पैरेलल ऑफ लेटिट्यूड का डिफाइन किया जा रहा है कि द फुल सर्किल ऑन द ग्लोब आर इमेजिनरी लाइन विच आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लेटिट्यूड, दीज लाइन्स आर रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये जो है तो ईस्ट टू वेस्ट रन कर रहा है, दी लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, यह जो है लॉन्ग ये जो है लेटिट्यूड का है, यह पार्लर है इच अदर में है। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर फोर इसका चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर नंबर चैप्टर वन का जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं, ये सारे क्वेश्चन को आप फेयर कॉपी में मेंशन कर लेंगे, नोट कर लेंगे, उसके बाद जो है तो फिर उसको कॉपी यहाँ स्कूल में लाएंगे, फिर वह कॉपी को हमें फेयर चेक करेंगे। थैंक यू।